श्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की प्रातःकालीन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहम वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं हेलो सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। हमारा जो शरीर है ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। हम सब जानते हैं पांच तत्व अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल। इन तत्वों में जब परिमाण मात्रा कम ज्यादा होती है तो हमारे शरीर में विकृति पैदा होती है, दोष पैदा होते हैं। और दोष तीन प्रकार के दोष बताए गए, बात पित्त और कफ। तीन प्रकार के दोष हमारे शरीर में पैदा होते हैं, इसके कारण शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। तो हठ योग में इन दोषों को निवारण करने के लिए षटकर्म नामक जो पद्धति बताई गई, इसमें छह क्रियाओं का वर्णन है। हमने पिछले हफ्ते इसके बारे में जाना था लेकिन समय अभाव के कारण पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाई थी, तो आज उसी कड़ी में हम वापस जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमरेड से संगीता जी मिश्रा जुड़ी है जो हमें षटकर्म के बारे में बताएंगी, प्रयोग भी बताएंगी। संगीता जी एक जानी मानी योगा ट्रेनर है और बहुत सी संस्थाओं उसमें जुड़ी हुई है, समाज सेविका है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं संगीता जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आज का सेशन प्रारंभ करें। संगीता जी आप सादर आमंत्रित हैं। प्रातः स्मरण, आप सभी को मेरा प्रातः स्मरण। ओम सुप्रभात। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। तो आइए आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जो क्रियाएं सीखी थी तो उस सेशन में हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, तो वह क्रिया आज हम करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आपको सिर्फ देखना है, जैसे लास्ट सेशन में मैंने सावधानियां बरतने के लिए कही थी, ठीक इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है। हो सकता है कुछ नए साधक हो आज, तो उन्हें भी मैं सूचना देना चाहूंगी कि षट कर्म क्या है। षट कर्म छह प्रकार की क्रियाएं होती है। यह शुद्ध क्रिया है, जैसे हमारे शरीर की ओवर ऑयलिंग करने की क्रिया, जैसे कि कोई गाड़ियों में या फोर व्हीलर हो गया या टू व्हीलर साइकिल किसी भी प्रकार का वाहन, उसमें जंग चढ़ जाता है, उस जंग को सफाई करने का यह माध्यम है।
इसे षट कर्म कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ, किसे करना है किसे नहीं करना है वो भी मैं साथ साथ क्रिया करते वक्त आपको बताते चलूंगी, और बाकी समय में आपको, आप सभी शायद योग साधक होंगे तो देखते देखते सुनते सुनते आपको ध्यान रखना है और साथ में खाली न बैठते हुए कपाल भाति या अनुलोम विलोम करते रहिए, ताकि साथ में आपका प्राणायाम भी होते चले। तो लास्ट टाइम हमने क्रिया की थी नेति, दो प्रकार की थी, जल नेति और रबर नेति, और बाकी का मैंने साथ में इसका 3-5 प्रकार की जो क्रिया होती है नेति वह मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। डिमोंस्ट्रेशन हमने सिर्फ दो क्रिया की। तो आज के सत्र में हम विशेष नौली, धौती और बस्ती मतलब शंख प्रक्षालन, ये क्रियाएं आज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो इजीली घर में, लेकिन सावधानियां पूरी हमें बरतनी है, इतना हमें हमेशा ध्यान देना। षटकर्म निर्गत स्थौल्य कपदोष मलाकृतिक प्राणायाम कुरेयादना यासेत सिद्ध्यति। ये क्रियाएं स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के शुद्धिकरण में अत्यंत सहायक। 20 प्रकार के कफ रोग, सभी वात रोग, पित्त रोग, कुष्ठ रोग, उदर रोग, फेफड़े के विकार, हृदय एवं वृक्क की विकृतियां दूर होती, वृक्क मतलब किडनी रोग। इसलिए ये सर्वजन हिताय इस ऋषि प्रोक्त षट कर्म का संक्षेप में हम वर्णन करते हैं। शंख प्रक्षालन, और जैसे हम नौली, धोती, इसके भी कुछ प्रकार हैं, साथ साथ जैसे हम क्रिया बताते चलेंगे इस प्रकार आपको करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले नौली क्रिया करके दिखाते हैं। तो नौली क्रिया एक्चुअली होती क्या है, पेट से संबंधित होती है, उदर रोग, उदर रोगों का यह विनाश करती है। विशेष यहाँ पर लाभ देने योग्य बातें हैं, जैसे हम कपाल भाति के लिए सावधानी बरतनी थी कि मेंसेस में नहीं करना है, प्रेगनेंसी में नहीं करना है, और किसी प्रकार का यदि आपको सीजर हो जाता है तो उस अवस्था में आप इसे रोके, बिल्कुल भी ना करें। नेति, पहले मैंने बताया था त्राटक, आंखों की शुद्धि क्रिया, फिर नसिका की शुद्धि क्रिया, उसके बाद श्वसन मार्ग, पेट संबंधित रोग, कपाल भाति की क्रिया हो चुकी थी हमारी, अब हम करने जा रहे हैं नौली क्रिया। तो नौली क्रिया 3 प्रकार की होती है, दक्षिण नौली, वाम नौली और मध्यम नौली। ये एक्चुअली होती क्या है जानेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, सांसों को बाहर छोड़ देना है और कंप्लीट पूरा पेट को अंदर खींच लेना है, पूरा कंप्लीट खींचना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जब हमारा पेट पूरी तरह से अंदर खींच जाएगा तब उस पेट का हमें बनाना है पाइप, मतलब ऐसे जो हमारी आते होती है इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल, इसका पूरा हमें ऐसे बीच में पाइप जैसे बनाना है। तो जब यह पाइप सांस रोकते ही क्रिया करनी है, पाइप बन जाएगा, वही पाइप को हमें अंदर से घुमाना है तो राइट साइड करेंगे, और राइट साइड से घुमाएंगे तो लेफ्ट साइड करेंगे। यहाँ ध्यान देना, जो बहुत अधिक वृद्ध अवस्था वाले हो वे ना करें, वह ये एक्चुअली जो क्रियाएं होती है षटकर्म की, ये प्रॉपर योग शिक्षक के सामने रहकर ही क्रिया सीखनी होती, तभी आप अकेले में कर सकते, तब तक नहीं। तो ये सावधानियां हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे दक्षिण नौली इधर राइट साइड हो जाएगा वो पूरा पार्ट, तो बन जाएगा दक्षिण नौली, और वही पार्ट जब लेफ्ट साइड चले जाएगा पाइप तो बन जाएगा वाम नौली। और स्टार्टिंग में मैंने बताया जब सेंटर में रहेगा पाइप तो उसे कहते हैं हम दक्षिण मध्य नौली। तो ऐसे नौली के 3 प्रकार होते हैं, तो जरूरी नहीं कि अलग अलग से करना है हमें, सिर्फ शुरुआत में जब हम करते हैं तो मध्य बन जाती है, राइट पेट ले जाते हैं तो दक्षिण बन जाएगी, और लेफ्ट साइड हम लेकर जाएंगे छोटी आंत बड़ी आंत जो इंटेस्टाइन बताया उसे ले जाएंगे, तो यह हो गई हमारी वाम नौली। अब इसी का हमें अंदर से चालन करना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट,
और फिर हो सके तो पूरा कंप्लीट ऐसे घुमाना है। इससे क्या होता है, हमारे पेट की सबसे अधिक संबंधित सारे रोगों का विनाश। दूसरी बात, जो हमारे आंतों संबंधित रोग होते हैं, जैसे गंदगी जम जाती है, रक्त संचार नहीं होता है, जो आंतों के अंदर जो परत होती है श्लेष्मा, उसमें जो जम जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होने से जो हम भोजन लेते हैं उसका रस हमारे बॉडी को अंदर मिलना चाहिए, तो जब वो ये गंदगी बन जाती तो वो बॉडी को मिलता नहीं है। इस वजह से ये क्रिया करने से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत ही जबरदस्त होता है। गर्भाशय विशेष रोग सारे रोगों में हमें लाभ मिलता है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांस ले लेना है, छोड़ देना है। सांस रोककर ही क्रिया करनी है हमें, बिल्कुल भी सांस लेनी नहीं है। जब हम बीच में पाइप बना लेते हैं तो उसे राइट साइड ले जाते हैं और राइट साइड बनाते हैं तो उसे लेफ्ट साइड। तो ऐसा जब हम करते हैं तो पहले क्लॉकवाइज कर लीजिएगा और फिर जब सेकेंड टाइम जब हम आते हैं तो लेफ्ट साइड से भी कर लीजिएगा। तो इसे और एक क्रिया का नाम बता दे रही हूं मैं आपको, तुंड संचालन भी इसे कहते हैं। जब हम पूरा कंप्लीट सर्कल करते हैं, राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब हम सर्कल करते हैं तो इसे क्रिया कहते हैं, इस क्रिया का नाम है तुंड संचालन। चलिए अब मैं लेफ्ट साइड से करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे यह धीरे धीरे आपकी यथाशक्ति जितना संभव हो, 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको बहुत कम समय में करना होगा क्योंकि शुरुआत में हमारी कैपेसिटी नहीं रहती और जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ते चलेगा तो आप इसे और थोड़ा ज्यादा समय भी कर सकते। तो यहाँ पर ये हुई हमारी नौली क्रिया। तो अब इसके बारे में जान चुके हैं, अब अगली क्रिया हम करते हैं धौती। धौती के जैसे अलग अलग शास्त्रों के अनुसार या हमारे जो हठयोग होता है और घेरण संहिता होती है और शिव संहिता, ऐसे जो प्रकार हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे अभ्यास क्रम में आते हैं, तो इनके प्रकार के माध्यम से इनमें जैसे हठयोग में अलग प्रकार बताए हैं, तो ऐसे जितने हम गहन अभ्यास करते चले जाए उतनी अलग अलग क्रिया हमें मालूम होती है और सीखने के लिए। तो नौली या हठयोग का ही है सारा हमारा जो क्रिया है, हठयोग में ही की जाती है षट कर्म। अब हम करते हैं धौती। धौती में होते हैं 4 प्रकार। पहले हम जान लेते हैं धौती एक्चुअली होती क्या है। जैसे पेट संबंधित अभी बताया मैंने नौली, अब हम करेंगे धौती। यहाँ जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है जठर, संस्कृत शब्द है जठर, हिंदी शब्द है अमाशय, इंग्लिश शब्द है एपिगेस्ट्री। तो ऐसे यह नाम को जानते हैं हम तो बहुत ही इजीली वो क्रिया करने में हमारी मदद होती। इसकी सफाई, जहां हम पानी पीते हैं तो सबसे पहले यहाँ जाता है, उसके बाद फिर नीचे सरकता है। तो इसके अंदर भी जैसे गंदगी बन जाती है, हाइपर एसिडिटी के लिए तो यह रामबाण इलाज है और विशेष लाभ अस्थमा रोगी के लिए, जो हमारे नियमित कफ जो बन जाता है तो ये जब हम पानी पीते हैं और बाहर निकाल देते हैं तो इस पानी के साथ साथ सारा कफ हमें बाहर निकल जाता है। और जो पित्त के हम अम्ल पित्त जिसे बहुत अधिक बढ़ जाता है हाइपर एसिडिटी, उनके लिए भी यह बहुत ही विशेष लाभ। सबसे पहले हम कर लेते हैं, पहले सावधानियां जान लेते हैं क्योंकि यह जो क्रिया हम कर रहे हैं ये सभी के लिए पानी कैसा होना चाहिए। यदि हम नॉर्मल करते हैं
तो पानी हम सिर्फ नमक मिला हुआ ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं सावधानियां बता देती हूँ, पानी किसको अपने डिसीज के हिसाब से कैसा लेना है। यदि नींबू तथा सेंधा नमक वाला पानी किसको लेना है, आप ध्यान से सुन लीजिए, हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। पानी में उचित परिमाण में नींबू अथवा सेंधा नमक मिला हुआ गर्म पानी तैयार, गर्म यानी बहुत बॉईल नहीं, बिल्कुल गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है, गुनगुना पानी। वात कफ एवं उच्च रक्तचाप के रोगियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति को पानी पीना होता है, ये ध्यान रखना है। अब सेकेंड टाइम में आते हैं हम, वात तथा कफ रोगियों के लिए कैसा पानी लेना है। जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है, आम वात है, गाठिया है, सूजन है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डुलाइसिस है, स्लिप डिस्क है आदि किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या कफ रोग हो, तो उनको केवल सेंधा नमक मिला हुआ पानी ही लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप या चर्म रोगी के लिए पानी कैसा होना चाहिए। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है या चर्म रोग है, स्किन डिसीज, उनको नींबू रस मिला हुआ गर्म जल पीकर ही यह क्रिया करनी चाहिए। तो आइए हम करेंगे, अभी आपको देखना है साथ में, ये मेरे पास पानी है, अब मुझे किसी प्रकार का रोग नहीं है, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें से मुझे किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, तो मैंने क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी लेना, सिर्फ नॉर्मल 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी, सॉरी 2 से 3 लीटर मैंने पानी यह पहले से रेडी करके रख लिया है। 1.5 लीटर की यह बोतल है, इसमें नमक मिला हुआ पानी हमें लेना है। अब नमक कितना लेना है हमें, तो जैसे 1 से 1.5 लीटर की ये जो बोतल है, तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून, ये नमक है मेरे पास, देख लीजिएगा, ये टेबल स्पून, ये पूरा ऊपर तक नहीं लेना, ऐसे इसको पूरा प्लेन कर लेना और इस बोतल में डाल लेना। या पहले से आप यदि कोई बर्तन में भगोने में पानी गर्म करते हो, उसी समय आप पानी डाल के, नमक डाल के आप पानी को रेडी कर लीजिए। अब पानी के नमक कैसा होना चाहिए, सेंधा नमक लीजिए, सेंधा नमक हमें ज्यादा लाभ देता है, नॉर्मल नमक से सेंधा नमक ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस पानी को मैंने पहले से रेडी करके रख लिया है, अब मुझे ये पानी पूरा पीना है। इसके फायदे जान लिए हमें, इसे नहीं करना है, सावधानियां भी जानना बहुत जरूरी है, और इसे कैसे करना है ये भी देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे अंदर डर वहम घबराहट जो होती है, वह ये सब निकाल देती है चीजें, यदि हम जानते हैं सही तरीके से तो हम यह करने में सक्षम हो जाते हैं, बहुत ही इजी है। अभी कल ही मैंने एक मेरे क्लास की रोगी थे, उनको कराया वमन धोती, अब वमन यानी क्या, उमेट करते हैं उसको बोलते हैं, उल्टी करना उसको वमन बोलते, धोती यानी धोना। अब पानी हमें, ये हमने रेडी कर लिया है, आकंठ पानी पीना है, पूरा गले तक आकंठ, देखिए शब्दों को ध्यान दीजिए, आकंठ गले तक पूरा, यहां तक भरपेट हमें पानी पीना, जितना आप पी सको, ठीक है, इतना पानी पीने के बाद पूरा भरते तक गला, और जब हमें ऐसा महसूस हो कि हमें अब उल्टी आ रही है, तब हमें हल्की सी 2 उंगली अपने गले के अंदर डाल दीजिए, तो अपने आप वोमिट आएगा, जो प्रेशर बनेगा पूरा पानी बाहर निकल जाए। यदि नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह नहीं निकला, जितनी कोशिश है जबरदस्ती बल देकर कि हमें ओ करके पानी को नहीं निकालना, एक फ्लो में 2-3 बार यदि इजीली निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं। यदि पेट में यदि पानी रह चुका तो वह या तो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा या लैट्रिन के माध्यम से निकल जाएगा, इसमें कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, यदि नमक का पानी हमारे पेट में रह जाता है तो थोड़ा मोशन हमें पतले आने लगते हैं, ठीक है, यदि मान लो पूरा पानी नहीं निकल पाया तो थोड़े थोड़े मोशन हमारे पतले होने लगेंगे, तो डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये नमक का पानी है इसलिए होता है ऐसा, वो पूरा क्लीन हो जाएगा,
उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स होना है, लेट जाना है, आराम करना है। यदि ऐसा होता है तो, नहीं तो कोई आवश्यकता, ठीक है। तो आइए हम करते हैं वमन धोती। और जिस दिन हमें यह क्रिया करनी है उस दिन हमें सुबह कुछ भी जल कहती हूँ कुछ भी हमें खाना नहीं है। पानी पी सकते हो आप, लेकिन हो सके तो आप ब्रश करने के बाद ही ये डायरेक्ट आप गुनगुना पानी पी करके वमन धोती कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, पानी पूरा पीना है, भर पेट आकंठ। और बैठना कैसे है, ऐसे उकड़ू, और पानी ना घुट घुट नहीं पीना है। यहाँ ध्यान रखना है पानी हमें फास्ट पीना है, क्योंकि यदि हम घुट 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 रुक रुक के फिर आधा पी लिया, फिर आधा पी लिया रुक गया, तो ऐसा रुकने से ना पानी पच जाता है। तो हमें पानी को पचने नहीं देना, फास्ट पानी पीना है और फास्ट निकाल देना है। थोड़ा बल लगता है, कोई बात नहीं। ऐसा यह हमें जितना हमने पानी पिया उतना पूरा निकाल देना है। अब इस पानी के साथ यदि आपके अंदर एसिडिटी बनी है, हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त की शिकायत हो जिसे, तो वह एसिडिटी में बहुत ही यह कारगर साबित होता है। जिन्हें है उन्हें नियमित अभ्यास करना चाहिए यदि बहुत अधिक है तो, और जिन्हें नहीं है उन्हें कम से कम हफ्ते में या महीने में एक बार भी यह क्रिया आप आराम से कर सकते हैं। तो यह हुई हमारी वमन धोती। और इसी प्रकार एक गज करनी क्रिया भी की जाती है। गज मतलब हाथी होता है, हाथी की जो सूंड होती है, जैसे हाथी सूंड में पानी भर लेता है और बिल्कुल प्रेशर से फुहारे जैसे निकलता है, इसमें रुक रुक कर पानी बाहर आया, उसमें बिल्कुल फास्ट आता है पानी। जितना हम पीते हैं
बिल्कुल फोर्सफुली बाहर से आ जाता है। और तीसरा एक और होता है दंड धोती। दंड मतलब ऐसा रबर का एक पाइप सा बना हुआ होता है, वो यदि हम मुंह के अंदर पूरा डाल लेते हैं तो ये अनाशय तक हमारा पाइप जा चुका होता है, और उस पाइप से बाहर पानी निकालना यानी सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते मुंह से पूरा फुहारे जैसा पूरा पानी बाहर आ जाता है, इसे कहते हैं दंड धोती। तो आइए नौली धोती, यहाँ पर हम क्रिया को विराम देते हैं। अब अगली क्रिया हमारी होती है शंख प्रक्षालन। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था धोती, तो पॉट के सहारे से मैंने बताया था आपको, जैसा मेरे पास पॉट था उसमें जल भर करके, जैसे बहुत अधिक समय नहीं है तो वो क्रिया भी हम कर सकते हैं, और यदि पॉट नहीं है तो बस्ती क्रिया हमें कैसी करना है तो उसे भी हम जान लेते हैं कैसे करते हैं उसका। शंख प्रक्षालन, एक्चुअली देखिए शंख किसे कहा जाता है, जो हमारा नॉर्मल शंख बजाने वाला होता है उसी प्रकार की हमारे जो पेट के अंदर जो आंते होती है उसका आकार एक्चुअली शंख के जैसा होता है, और प्रक्षालन यानी सफाई करने की क्रिया। तो उस आंतों को सफाई करने की यह क्रिया कहलाती है शंख प्रक्षालन। इसे कैसे करना है, इसमें करना है आपको जैसे मैंने अभी पानी बताया था, जैसा पानी अभी बमन धोती के लिए तैयार किया था ठीक वैसा ही पानी आपको रेडी रखना है। इसमें आपको भरपेट अभी तुरंत पानी नहीं पीना, जैसे यह एक ग्लास मैंने पानी ले लिया, अभी मैं इमेजिन कीजिए क्योंकि मैंने अभी ये क्रिया की हूं इसलिए मैं अभी नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको वॉशरूम पास में चाहिए। जैसे जैसे आपको प्रेशर पड़ते चलेगा पेट पे वैसे वैसे आपको लेटरिन जाना होगा, जाना है फिर आना है फिर पानी पीना है फिर आसन करते चले जाना है फिर वॉशरूम जाना है, ऐसे 3 से 4 बार आपको मोशन आएंगे। जो हम पानी पी रहे हैं वो हमारी आंतों को धोने का कार्य करती है शोधन, और जब ऐसा करते करते 3 से 4 बार यदि हमारे हमें मोशन आ गए हैं तो उसके बाद हमें लास्ट में जो हमने जैसा पानी पिया वैसे ही पानी हमारे लैट्रिन के माध्यम से यदि निकलता है तो समझना अब हमारा पेट पूरा साफ हो चुका है। तो आइए मैं इसे समझा के बताती हूँ कि आसनों के पैकेज में इसे कैसे किए जाते हैं, इसको आसनों के साथ किया जाता है ठीक है। जो बस्ती बताई थी लास्ट टाइम पॉट के सहारे, यहाँ जो पॉट था उसको मैंने बताया था वो डायरेक्ट था, डायरेक्ट पानी डाल दिया और अपना पानी को गुरुद्वार से ले लिया और चले गए। लेकिन इस क्रिया में डिफरेंस ये है कि पानी पीते जाना है और आसन करते जाना है। ऐसे 5 प्रकार के आसन किए जाते हैं, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और लास्ट में शंखासन। ये सारे पेट पे प्रभाव पड़ने वाले आसन है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है आसन करने के बाद, और जैसे प्रेशर पड़ता है तो हमें मोशन जाने की इच्छा प्रकट होती है। ऐसे करते करते हमारी बस्ती क्रिया कंप्लीट हो जाती है। चलिए उसके बाद क्या करना है पहले बता देती हूँ फिर करती हूँ। मान लीजिए हो गई क्रिया ठीक है, उसके बाद हमें उस दिन जिस दिन हमें यह क्रिया करनी है उस दिन हमें बिल्कुल लाइट भोजन लेना है, हल्का सुपाच्य। अब लाइट भोजन क्या होगा, पतली सी मूंग की छिलके वाली दाल की खिचड़ी, उसमें 50 ग्राम हमारा शुद्ध घी मिला हुआ, तो ये हमें उस दिन भोजन लेना है, तुरंत नहीं लेना है क्योंकि जब हम ये क्रिया करते हैं तो थोड़ी सी थकान आ जाती है तो हल्का सा, और शरीर का थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो शरीर में जब हमें थकान हल्की सी लगती है तो लेट जाना है और पतला सा चादर ओढ़ के, बहुत अधिक पंखे में भी नहीं लेटना है, पतला सा चादर ओढ़ के आपको रेस्ट करना है 1/2 घंटा 15 मिनट नो प्रॉब्लम आपकी क्षमता अनुसार। जब आपको फिर भूख लग रही है खाना खाने की इच्छा हो रही तो आपको क्या करना है, पतली खिचड़ी खा, उसमें 50 ग्राम कम से कम घी मिला हुआ शुद्ध घी, यदि गाय का घी अवेलेबल ना हो तो आप भैंस के
दूध का भी घी ले सकते हैं। उसको खाने के बाद आपको रात को डायरेक्ट फिर खाना भोजन ले लेना है। अब भोजन में बहुत अधिक हैवी भोजन नहीं खाना है, डायरेक्ट आप रात में शाम में सब्जी रोटी आराम से खा सकते हो। तो ये हमें सावधानियां बरतनी, क्योंकि उस दिन हमारे आंतों की सफाई हो चुकी है, गंदगी सारी साफ हो चुकी है, तो वो आंतों को हमें जो हम खिचड़ी खाते हैं उसका जो घी होता है उन आंतों को ग्रीसिंग का काम करता है। जैसे कोई ऑयल जाम हो जाता है बॉडी अपना कोई गाड़ी वाहन, तो उसको कैसे हम ग्रीस चलाते हैं तो फिर आवाज भी आना बंद हो जाती है और बिल्कुल फ्री हो जाती है इजीली फटाफट, जैसे सिलाई मशीन का चक्का घूम रहा है और भी ऐसे अन्य साधन है। तो ऐसे यह हमारी इंटेस्टाइन जो होती है अंदर, उसमें घी जो होता है वह ग्रीसिंग का काम करता है, इसलिए घी युक्त हमें खिचड़ी खाना अनिवार्य है। यदि मान लीजिए कोई घी नहीं लेता है तो उन्हें ऑयल डाल लेना, जो भी आप भोजन में ऑयल लेते हो खाना बनाते समय जो भी यूज करते हो उस ऑयल को गर्म करके थोड़ा सा डाल लें और वही खिचड़ी आपको खाना है, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। एक दिन आपको रेस्ट करना है, खाना ज्यादा नहीं खाना है, सिर्फ जितना हमने बताया खिचड़ी वही खाना, ठीक है। तो आपकी आंतें साफ हो गई है, बस्ती क्रिया आपकी आराम से हो चुकी है। इसे ही कहा जाता है शंख प्रक्षालन, ठीक है। शंख बहुत कठिन लगता है, अरे भाई ये क्या चीज है, कुछ नहीं है, ये सब आंतों को ही शंख कहा जाता है, उसका साइज वैसा होता है इस वजह से। तो आइए अब हम पानी पी, मैं तो अभी पीऊंगी नहीं क्योंकि मैंने अभी यह क्रिया किया है, और हर दिन हमको एक ही क्रिया करनी, इकट्ठी छयो क्रिया नहीं करनी, पूरे चक्र में एक ही दिन नहीं, ये तो डिमोस्ट्रेशन है इसलिए मुझे करना पड़ता है सिखाने के लिए समझाने के लिए। लेकिन यदि आपको करनी है तो एक दिन में एक ही क्रिया करना है। अब इमेजिन कीजिए कि ये पानी पूरा भरा हुआ है, अब ये पानी मैंने पी लिया है, ठीक है। मुझे अभी क्योंकि पीऊंगी तो मुझे बार बार जाने की इच्छा अनुभव होगी, इसलिए पानी मैंने पी लिया, इमेजिन कीजिए ये मैंने रख दिया। अब इसके बाद मैं एक आसन करती हूँ, ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हथेली को ऐसे करके मैंने पूरा ऊपर खींच लिया, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, पूरा ऊपर खींचना है, लंबा, और पूरी एड़ी उठा लेना है, यहां हमें रुकना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ऐसे हमें कम से कम आवर्तन दोहराना है, कम से कम 5 बार करना है। मैं यहाँ पर अभी 5 बार नहीं करूंगी, सिर्फ आपको 2 बार बताऊंगी करके, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है इसमें, इस वजह ऐसे। ये हुआ हमारा पहला आसन, और तुरंत तुरंत वापस नहीं आना है, जब हम सांस लेंगे ऊपर आएंगे ऊर्ध्व ताड़ासन, फिर आपको रुक जाना है। ऐसे कितने बार करना है आपको, 5 टाइम। फिर उसके बाद हमें फिर पानी पिया, हमने बैठ कर पानी पीना है खड़े खड़े में, फिर 1 ग्लास 2 ग्लास आपको जितनी इच्छा शक्ति आप पी लीजिए। फिर एक आसन करना है आपको तिर्यक ताड़ासन, ठीक है, तिर्यक ताड़ासन। अभी हमने ऊर्ध्व ताड़ासन किया था, अब ये राइट साइड हम झुकते हैं कंप्लीट, दंड कान से सटे हुए, फिर ऊपर आएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर राइट, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे ही। ये हुआ हमारा तिर्यक ताड़ासन। अब इसके अगला आसन और करेंगे हम कटी चक्रासन। फिर हमने पानी पिया, ये बिल्कुल तैयारी रखना है पानी, एक आसन करना है 5 टाइम, उसके चक्र दोहराना है, उसके बाद फिर हमें जल ले लेना है, वही पानी गरम नमक मिला हो। फिर पानी पी लिया मैंने, फिर रख दिया। अब इसके बाद फिर एक और आसन करेंगे कटी चक्रासन, राइट वाला हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखना है और लेफ्ट हैंड पीछे, ये ऐसे ऐसे रखना है,
और कंधे इतना फासला, मेरे शोल्डर जितने हैं उतना ही फासला मैं अपने दोनों पैरों में रखूंगी ऐसे करके। अब यहाँ पर जिस साइड हमारा हैंड है उस साइड हमें सांस लेते हुए पूरा ट्विस्ट होना है, ऐसे कमर से ऊपर वाला भाग पूरा ट्विस्ट करना है, मोड़िए पूरा ताकि पूरा प्रेशर हमारे पेट पे आ जाए, पूरा प्रेशर, राइट। फिर हाथ बदलकर यही क्रिया, फिर लेफ्ट साइड जाना है, आ जाइए वापस। ऐसे हमें कितने बार करना है, कटी चक्रासन इसे कहते हैं, इस आसन का नाम कटी चक्रासन। इसे भी हमें कम से कम 5 से 10 टाइम कर लेना है, फिर उसके बाद हमें फिर और पानी पीना, एक एक आसन करते जाना है 5 टाइम। उसके चक्र यानी राइट साइड 3, राइट साइड लेफ्ट साइड 3, यदि राइट साइड 5 टाइम करते हो तो लेफ्ट साइड भी 5 टाइम करना अनिवार्य है। फिर हमें पानी ले लेना है, पी लेना है। अब उसके बाद हमें करना है तिर्यक भुजंगासन। अब तिर्यक भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल पूरा लेट जाना है, कंप्लीट लेट जाना है, माथे के बल, माथा लगा हुआ है हमारा। अब दोनों उंगली हमारी सीने के आखिरी पसली के पास ऐसे रख लेना है तिर्यक भुजंगासन के लिए, लास्ट वाली जो हमारी छाती की पसली होती है वहां रखना है। अब हमें माथा नाक और घुटी पूरा सीने से आसन से स्पर्श करते हुए कंप्लीट उठना है, उठिए। अब हमें राइट साइड से अपने पैरों को देखना है तिर्यक भुजंगासन, फिर लेफ्ट साइड से देखना है अपने पैरों को, फिर राइट, फिर लेफ्ट, आ जाइए वापस। ऐसे हमें कम से कम 10 बार करना है। यदि हाथ ऐसे नहीं रखते हैं तो दोनों उंगलियों को आपस में परस्पर मिलाकर पैर सीने के नीचे रख करके ऐसे भी आप तिर्यक भुजंगासन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऐसे ही हमारे आसनों का अभ्यास है। आ जाइए वापस। अब धीरे से हमें लेफ्ट करवट लेते हुए उठकर बैठ जाना है। अब इसके बाद फिर हमें पानी पीना है। यदि इस दौरान आसनों के अभ्यास के दौरान आपको बीच बीच में प्रेशर आएगा, बाहर जाने की इच्छा होगी, तो आपको उस प्रेशर को रोकना नहीं है कि मैं आसन कंप्लीट करके ही जाने की, जी नहीं। जैसे जैसे आपको थोड़ा भी नॉर्मल भी इच्छा होती है बाहर जाने की, प्रेशर आता है, तो आप तुरंत तुरंत चले जाते जाइए, फिर आइए, फिर पानी पीजिए, फिर आसन कीजिए, ऐसे करते करते आपकी पूरी शुद्धि हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने पानी पी लिया, इमेजिन कीजिए कि मैंने पानी पी लिया। फिर लास्ट वाला एक आसन है और शंखासन, लेफ्ट वाला पैर हमें ऐसे रख के बैठ जाना है, ठीक है, हाँ ऐसे बैठ जाना है, और राइट वाला हैंड राइट वाले पैर पे रखना है, लेफ्ट वाला पैर ऐसे रखना है। यस, दिखा देते हैं आपको, देख लेना आप शंखासन की पोजेस कैसी होती है, ऐसे बैठना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड राइट वाले पैर पे रखना है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर पे रखना है, इस घुटने को जमीन से सटा देना है। अब राइट वाला जो हैंड है उस पर हाथ रख के हमें लेफ्ट साइड पूरा ट्विस्ट होना है, राइट साइड सॉरी, देखिए पूरा ट्विस्ट हो जाना है, पीछे का भाग देखना चाहिए, 1। फिर हाथ बदलकर अब राइट वाला पैर नीचे है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर, अब हमें लेफ्ट साइड पूरा ट्विस्ट होना है, ऐसे पूरा पेट के बल, पूरा पेट पर बल आता है, प्रेशर आता है, पूरा ट्विस्ट होना है पीछे, ठीक इसी प्रकार राइट लेफ्ट पोजेस बदलते जाना है और आसनों का अभ्यास करते चले जाना है, पानी पीते जाना है और जाते जाना है, ऐसे में हमारे शुद्धि हो जाएगी। तो ये हुआ यहाँ पर हमारा शंख प्रक्षालन।
यहाँ पर हमारी शंख प्रक्षालन की क्रिया समाप्त होगी। और इसके बाद की सावधानियां तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अब एक उस दिन हम नेति का जो अभ्यास हमने किया था, जल नेति, रबर नेति और सूत्र नेति नहीं हो पाई थी, तो आज मैं सूत्र नेति भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये सूत्र है, बहुत ही सिंपल है, ये सब मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें मोम लगा होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा हार्ड होता है और यहाँ से स्मूथ होता है। इसे हमें पहले पानी में भिगो लेना है। पानी में ये मैंने रेडी करके रखा है, थोड़ा सा मुलायम बना लेंगे। अब ये नसीका से डालना है, जैसे मैंने रबर डाला था ठीक इसी प्रकार इसे भी डालना है और मुझे निकाल लेना है। जैसे नेति में मैंने लास्ट टाइम बताई थी सावधानियां, कि किसी प्रकार इसमें भी कंप्लीट सांसें आपको मुंह से ही लेनी है और मुंह से ही छोड़नी है, नाक से बिल्कुल सांस ना ले। नसीका के ऊपर जितने भी हमारे रोग है सारे रोगों का यह विनाश करती है। विशेष लाभ माइग्रेन के लिए, आंखों के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए, तो ऐसे यह सूत्र नेति के बहुत अधिक लाभ होते हैं। तीनों क्रिया जो नेति करते हैं हम, तीनों एक साथ इसे भी नहीं करना है। आज हमने जल नेति की है, कल सूत्र नेति, परसों, तो ऐसे तीन चार दिन के अंतराल में अभ्यास करना, प्रतिदिन नहीं करना। जिन्हें तकलीफ है, बहुत अधिक नसीका संबंधित रोग है, उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन्हें तकलीफ नहीं है वे उन्हें नहीं करो। तो देखिए इसे मैंने थोड़ा सा ढीला कर लेना है ताकि आराम से चले जाए। और नसीका में थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है पहले ही अंदर, है ना, तो बहुत आराम से हो जाता है। तो देखिए आ गया है, ये सूत्र है और ये मुंह से आ गया, इसका धीरे धीरे चालन करना है। ये देखिए आराम से निकल गया, मैंने नसीका से डाला था और मुंह से आराम से निकाल दिया। इसको वॉश कर लेना है ठीक इसी प्रकार। अब हम दूसरे नसीका से डालेंगे सूत्र नेति। सूत्र नेति कहलाती है ये, जैसे हमने रबर से डाला था, है ना, ठीक इसी प्रकार यह सूत्र होता है।
दोनों साइड से क्रिया करनी अनिवार्य है। ये देखिए आ गया है। देखिए आराम से निकल गया है, कोई परेशानी। ये थोड़ा सा कठिन अभ्यास है, आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा अभ्यास होने लगता है तो धीरे धीरे यह सब क्रियाएं आराम से होने लगती है। तो सबसे पहले हमें जलनेति सीखना चाहिए, सबसे पहले जलनेति करने का अभ्यास करना है, उसके बाद रबर नेति करने का अभ्यास करना है और लास्ट में ये क्रिया करनी है। शुरुआत से पहले सूत्र नेति क्रिया करने का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। इसलिए सबसे पहले जल नेति का अभ्यास, उसके बाद रबर नेति का अभ्यास, घृत नेति, दुग्ध नेति और लास्ट में सूत्र नेति का अभ्यास करना यहाँ पर हमें अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर हमारी षट कर्म की क्रियाएं समाप्त होती है। आज के सत्र का यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी आपने षटकर्म की सारी क्रियाएं बहुत ही अच्छे से जी सर करके बताई, प्रैक्टिकल भी करके बताई आपने। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें क्रिया समझ में आ गई होगी और आपको जैसे बताया गया उसी हिसाब से आप प्रयोग अगर करते हैं तो इसके लिए कि आपके किसी गुरु की सन्निधि में करें तो अच्छा रहेगा। आप पहले सीख लीजिए, आपके शहर में पतंजलि की स्टोर सब जगह है, पतंजलि में किताब है बाबा रामदेव जी की, ये किताब, इस किताब में सारी क्रिया अच्छे से बताई गई है, योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य। इस किताब के अंदर जो प्रयोग अभी आपको बताए ये सारे प्रयोग इसके अंदर षटकर्म के बारे में बताए हुए हैं। इस किताब को भी आप लेके पढ़ेंगे तो आपको सारी क्रियाएं अच्छे समझ में आ जाएगी। इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है वो भी बताई गई है। तो पतंजलि स्टोर में जाके आप इस किताब को परचेज कर सकते हो और इसके आप इसमें और भी बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी, आसन से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित, बहुत ही उपयोगी किताब है। तो ये किताब आपके घर पर रहनी चाहिए। अब आप लोगों की कोई अगर जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो मैं अभी आपको सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कृपया एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र संगीता जी। मेरा एक सवाल है
कि अभी शंक प्रक्षालन बताया, तो उसमें पानी कैसा लेना है? सादा पानी? संगीता जी अपने आप को म्यूट की अनम्यूट कीजिए। संगीता जी आवाज आ रही है आपको? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई हैं। सवाल समझ में आया आपको या एक बार दोबारा पूछ लीजिए? हाँ जय जिनेन्द्र। संगीता जी मेरा सवाल, शंख प्रक्षालन किया आप, हमने उसमें पानी बताया आपने, पानी कैसा लेना है और आसन सब जरूरी है क्या? आसन उसमें जी, पानी जो हमने लिया है ना, जैसे वमन धोती के लिए अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, सेम वैसा ही पानी लेना है, गुनगुना पानी, और एक लीटर में एक टेबलस्पून पानी डालना है, नमक डालना है। नमक यदि सेंधा नमक हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल भी नमक ले सकते हो, ठीक है। और पानी सेम वैसे ही पीना है, बैठ के उखड़ू उखड़ू बैठ के, ऐसे बैठ के पानी पीना है, ऐसे खड़े होके पानी नहीं पीना। जब आप आसन करोगे फिर बैठ जाना, फिर ऐसे ऐसे वैसे ऐसे पानी पीना है फास्ट, फिर आसन करना है, फिर उठ करके फिर पानी पीना है, फिर आसन। अब मान लीजिए किसी को घुटने की तकलीफ है, कोई आसन नहीं बन रहा, किसी को शोल्डर की तकलीफ है तो उसको तिर्यक ताड़ासन नहीं बन रहा है, कमर की तकलीफ है तो तिर्यक ताड़ासन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना, वही पहला ही आसन को रिपीट करना, ठीक है, ताड़ासन। कोई जरूरी नहीं कि आसन होना ही चाहिए, ठीक है, कि तिर्यक भुजंगासन आप इजीली कर पा रहे हो तो वही आसन को बार बार रिपीट करते जाना है, पानी पीते जाना है, फिर वही आसन को 5 बार करना है आवर्तन, है ना, उसके बाद फिर पानी पीते चले जाना। ठीक है, ओके, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा प्रयोग रहा, प्रयोग करके भी बताया, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और किसी भी कोई जिज्ञासा हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हमारे साथ बहुत से योगा ट्रेनर भी जुड़े हुए हैं, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अगर किसी की नहीं हो तो मैं और एक सवाल पूछूं सर? हाँ जी पूछिए। हाँ तो शतक्रिया जो बताई संगीता जी, जी हाँ शतक्रिया बताई, हमें हफ्ते में एक बार दो बार करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है, पहले जलनीति फिर ऐसा कुछ भी कौन से भी कर सकते हैं? नहीं कोई बंधन नहीं। देखिए यदि आपको नेति क्रिया से संबंधित, पूरी नेति क्रिया से संबंधित, नसिका संबंधित सिर्फ नेति क्रिया करनी है तो स्टेप बाय स्टेप उसमें सबसे पहले आपको जलनीति सीखना है, ठीक है, उसके अलावा अभी नहीं सीखना। जब आपकी जलनीति सक्सेस हो जाएगी फिर स्टेप बाय स्टेप आप एक 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 क्रिया आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपका, आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जो साधक साधिकाएं जुड़ी हुई है उनको बहुत ही अच्छी बातें सिखाई और प्रैक्टिकल करके भी दिखाई, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और जिनको भी आपको करना हो आप धीरे धीरे अभ्यास करें। अब मैं हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति 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 शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम सब आभारी है। और हमारे साथ जो भाई बहन जुड़े सबके प्रति आभार, सबके प्रति धन्यवाद। सर हम आपके भी बहुत बहुत आभारी है। समर कैंप भी बहुत अच्छा रहा। मेरी पोती तो बस ऐसे ही करते रहती दिन सारा। ये बहुत बढ़िया समर कैंप अच्छा लगा जानकर, बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय। वो बोल रही थी अभी खत्म क्यों नहीं, आज क्यों नहीं है, पूछ रही थी। मैं बोली आज नहीं है, मैं सर को भी रिक्वेस्ट करके ले लेंगे। बहुत अच्छा आपकी मेहनत, बहुत अच्छी सर आपकी मेहनत। दोपहर को भी हमने कार्यक्रम रखा हुआ है, 3 बजे सूचना आपको मिल गई होगी, नहीं तो अभी ग्रुप में सूचना दे दूंगा मैं। 3 बजे आपको जुड़ना है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है 3 बजे। लिंक आपकी जो अभी जिस लिंक से जुड़े हो आप, इसी लिंक से जुड़ना है 3 बजे। और कल रविवार के दिन हमारा 9 बजे प्रोग्राम रहेगा, कल भी हमारा विशेष प्रोग्राम होगा, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। और कल आपके लिए YouTube का लिंक दिया जाएगा, YouTube में लाइव आएगा, YouTube में आपको जुड़ना है कल। तो अभी हम समापन कर रहे हैं, आज की मीटिंग यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आने का मौका दिया। विशेष धन्यवाद मैं गुप्ता सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सहारे मैं यहाँ तक पहुंची। जी सर, हाँ हमारे योगा की क्लास में भी आप, हम आपको बुलाएंगे एक दिन। तो महिलाओं के लिए कुछ विशेष योगा, हाँ सर विशेष, आप महिलाओं के कार्यक्रम में अगर आना है तो, लेकिन उसका समय हमारा 3 बजे का रहता है शनिवार के दिन, तो उस समय आपको अगर नहीं जमता है तो हम सुबह भी ले सकते हैं उस क्लास को। महिलाओं के लिए स्पेशल कोई योगा हो तो उसका एक आप एक कार्यक्रम रख सकते हैं, लेडीज स्पेशल। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।